हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जितने भी साथी हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए थोड़ा सा ठीक है फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादंबनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो हमारे ऑप्शन है बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और लखनऊ। कल की क्लास जिन साथियों ने अटेंड की थी, वो साथी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। कल की क्लास में जितने भी साथी थे हमारे, जिन लोगों ने कल के वीडियो को देखा था, उनके जवाब 100% सही आएंगे, उनके कमेंट 100% सही होंगे, क्योंकि ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है। कल इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था, इसलिए फटाफट अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब। आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन है, कहाँ से निकलती है और कौन है, ये दो प्रश्न है आपका, दोनों बताना है आपको। सबसे पहले आनंद कादंबनी पत्रिका के जो संपादक हैं वह बद्री नारायण प्रेमघन है। ये जानते रहिएगा, एक नया क्वेश्चन है आपके लिए। बद्री नारायण प्रेमघन, प्रेमघन इनका टाइटल है, प्रेमघन, प्रेमघन इनका टाइटल है और बद्री नारायण का नाम है, ठीक है। बद्री नारायण प्रेमघन इसके संपादक हैं और इसका जो संपादन फ्रेंड वह मिर्ज़ापुर से होता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल सही जवाब है कि आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन मिर्ज़ापुर से होता था, जबकि हंत पत्रिका बनारस से निकलती थी, ठीक है फ्रेंड, ये क्यों भी जानते रहेगा। हंत पत्रिका बनारस से निकलती थी और हंत बनारस निकलती थी और इलाहाबाद से प्रतीक, इलाहाबाद से निकलती थी जो प्रतीक निकलती थी, ठीक है। और लखनऊ से जो निकलती थी फ्रेंड, उसका नाम है तद्भव, कल भी इस पर जिक्र हुआ था। तो जिसके संपादक है अखिलेश, जी हाँ, जिसके संपादक हैं अखिलेश, अज्ञेय पत्रिका के संपादक, सॉरी प्रतीक पत्रिका के संपादक अज्ञेय जी हैं और जबकि हंस पत्रिका के संपादक बहुत प्रसिद्ध है मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक फ्रेंड। तो यहाँ से आपके मोटी मोटा 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हुए। पुनः उन क्वेश्चन पर हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, आनंद कादंबनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, मिर्ज़ापुर से, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। संपादक इसके कौन है, बद्री नारायण प्रेमघन। दूसरी बात करते हैं हंत पत्रिका की, तो हंत पत्रिका बनारस प्रकाशित होती है और इसके जो संपादक हैं वह मुंशी प्रेमचंद्र हैं। अगला इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम है प्रतीक और इसके जो संपादक हैं वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, जिनको कितनी नावों पर कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी आप जानते रहिएगा। अगला जो पत्रिका है वह तद्भव पत्रिका जो लखनऊ से निकलती है, जिसके संपादक हैं अगले ही, ठीक है। इतनी कंप्लीट जानकारी आपको इस क्वेश्चन से प्राप्त हुई। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो फटाफट जितने भी लोग पहले जुड़े हुए हैं, सभी का मैं क्लास में फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी संख्या के बल में क्लास से जुड़ सकें और इस महत्वपूर्ण क्लास का आनंद ले सकें, इस महत्वपूर्ण क्लास से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, क्योंकि ये जो क्लास है फ्रेंड वह यूपी टेट, जूनियर सुपर टेट और रीट के मद्देनज़र हिंदी की स्पेशल क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप सभी का बस इतना सा केवल वर्क है कि वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि आने वाले समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से भी आपको वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, उस पर सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए ई लर्निंग विद दुर्गेश, या दुर्गेश का सर्च करेंगे आपको हमारे संस्था का चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन कर आप सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी बातें, लेकिन आपके काम की बातें थी। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आदिकाल की रचना है, जी हाँ फ्रेंड, आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रताल दशक, दीप सिखाया, खुमार रातो, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड का क्वेश्चन है। आदिकाल की रचना के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, आदिकाल की रचना के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल सा फ्रेंड क्वेश्चन है, फटाफट अपने आप लोग आंसर कमेंट करिएगा। आदिकाल की रचना, जी हाँ फटाफट बताएं फ्रेंड, आदिकाल की रचना के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले इन रचनाओं में जो आदिकाल की रचना है वह है खुमार रातो, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है।
कुमार दासो आदिकाल की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है दलपति विजय, दलपति विजय। और सारे रचनाओं पर जिक्र कर लेते हैं, अखरावट जायसी जी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। दीप्तिका महादेवी वर्मा, अब महादेवी वर्मा का नाम आया है, इनकी एक रचना आवारी का यामा, यामा जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला छत्रताल दशक जो है वह भूषण जी की रचना है, छत्रताल दशक या भूषण की रचना है। तो ये आपके ओवरऑल व्यू था कम क्वेश्चन का, और आई होप आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के बाद, प्रस्तावना प्रश्न के बाद, आदर्श वाचन के बाद या मौन वाचन से पहले। बहुत ही मजेदार प्रश्न है फ्रेंड, जिन साथियों ने माइक्रो टीचिंग किया होगा या आप कह सकते हैं कि जो शिक्षण कार्यक्रम होता है, जो इंटर्नशिप होती है, जिन प्रशिक्षु भाई बहन ने इंटर्नशिप का कार्यक्रम किया होगा, इंटर्नशिप में किया होगा, तो जरूर ही आपका पाठ योजना या प्रस्तावना से परिचित होंगे, वो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि लगभग लगभग सभी साथियों ने हमारे इंटर्नशिप किया ही है, ठीक है। जो बीएड किए होंगे उनका 3 महीने का था, जो बीटीसी कर रहे थे, डीएलएड कर रहे हैं, उनका हर सेमेस्टर में का इंटर्नशिप था। तो आप सभी लोगों ने उस दौरान बाकायदा इंटर्नशिप में आपने फाइल वगैरह तैयार की है, तो उसमें सारे जिक्र आपने अच्छे से किया है, जी हाँ। अब बात करते हैं, तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता जो है, जो बात कर रहे हैं उद्देश्य कथन का, तो वह प्रस्तावना के प्रश्न के बाद आता है, ठीक है। प्रस्तावना के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों के विषय वस्तु तक पहुँचते हैं, उसके बाद उद्देश्य कथन के अंतर्गत हम किन उद्देश्यों को पूरा करेंगे कक्षा में, उस 40 मिनट की कक्षा में हम किन उद्देश्यों को पूरा करने वाले हैं, इसी का जिक्र होता है उद्देश्य कथन में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी कवि, जी हाँ, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस सन में, जल्दी से बताइए, फटाफट अपने आंसर कमेंट करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जानते रहेगा, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप, ये जीएस का क्वेश्चन आपको, जी शंकर कुरूप को 1965 में मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, ये जानते रहेगा। पहला जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार था वह 1965 में जी शंकर कुरूप को मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था। और 91 जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह भी अकितम अच्युतम नंबोदरी को दिया गया है, वह भी मलयालम साहित्य से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें, रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था कब, तो 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जबकि पहला हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वह सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चितंबरा के लिए दिया गया था। ये दो प्रश्न आप यहाँ से जाते रहेगा, बाकी पहला किसको मिला था और अंतिम किसको मिला था, ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1972 में मिला था रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। निरामिष किसे कहते हैं, मांसरहित भोजन को, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या मृत्यु का इच्छुक, जल्दी बताइए। निरामिष और शामिष, जिसका विलोम क्या होता है, शामिष होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो निरामिष का जो अर्थ होता है फ्रेंड,
निरामिष का जो अर्थ होता है, होता है मांस रहित भोजन। जी हाँ, मांस रहित भोजन, ठीक। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन, वहीं सामिष का अर्थ होता है, सामिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन, मांस युक्त भोजन। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा फ्रेंड। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन और सामिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन, ठीक है फ्रेंड। ये सारी चीज़ें आप जानते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले का एक शब्द क्या होता है, मुमुच्छु। क्या होता है, मुमुच्छु, ठीक है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुच्छु, ठीक। उसके बाद मृत्यु की इच्छा रखने वाला, जी हाँ, मृत्यु की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे मुमूर्सा बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या है, मुमूर्सा, ठीक, मुमूर्सा। और रात्रि में विचरण करने वाले का एक शब्द क्या होता है, निशाचर। तो यहाँ से भी आपके चार क्वेश्चन तैयार हुए। पुनः निरामिष किसे कहते हैं, जो मांस रहित भोजन होता है उसे निरामिष कहते हैं। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु, रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर, और जो मृत्यु का इच्छुक होता है उसे मुमूर्सा बोलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सहज शब्द है, सहज शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है, जल्दी से बताइए। सहज शब्द कैसे शब्द हैं, तत्सम है या तद्भव है या देशज है या आगत है, जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड। सहज शब्द, सहज शब्द किस प्रकार के शब्द हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है, फटाफट अपना आप लोग बताइए फ्रेंड। कमेंट के माध्यम से आंसर कमेंट करिएगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं क्लास से, कमेंट के माध्यम से अपने आंसर कमेंट करेंगे। किस प्रकार के शब्द हैं आपके, तद्भव, सॉरी तत्तः तब। तो देखिए फ्रेंड, सहज शब्द न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है, क्या है ये, आगत शब्द है। कैसा शब्द है, आगत। अब आगत का मतलब होता है जो कहीं से आया हो, ठीक है। ऐसे शब्द जो अन्य देशों की भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें हम आगत शब्दों की संज्ञा देते हैं, ठीक है, आगत शब्दों की संज्ञा देते हैं, क्योंकि यह अन्य देशों की भाषाओं से लिया गया है, इसलिए इनको आगत शब्दों की संख्या दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे, वनिता, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, जंगल में, स्त्री में, पुस्तक में या व्यवसाय में, जल्दी से बताइए। वनिता, वनिता का शब्द का अर्थ किस सेंस में लिया जाता है, क्या जंगल के सेंस में लिया जाता है, क्या स्त्री के सेंस में लिया जाता है, क्या पुस्तक के सेंस में लिया जाता है, क्या व्यवसाय के सेंस में लिया जाता है, फटाफट अपने आंसर कमेंट करें, जल्दी से बताइए। जी हाँ, बहुत बेहतर, अभी तक जितने भी साथी कमेंट कर रहे हैं सबके जवाब मैं बिल्कुल सही देख पा रहा हूँ, सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही हैं, बहुत बढ़िया, सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। वनिता का जो अर्थ होता है वह स्त्री होता है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची है वनिता। अन्य पर्यायवाची को जरा देख लीजिएगा आप, स्त्री का बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरी, कांता, कलत्र, ठीक है, रमणी और ललिता, ये कुछ प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं स्त्री शब्द की, इनको भी आप जानते रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। पूरी तैयारी हम परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज़ हमारा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे, मुकुंद, मुकुंद किसका पर्याय है, मुकुंद शब्द किसका पर्याय है, क्या विष्णु का पर्याय है, क्या शिव का पर्याय है, क्या ईश्वर का पर्याय है, क्या कामदेव का पर्याय है, जल्दी से बताइए। मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है, फटाफट से बताइए। मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है, फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा भाई। बहुत बढ़िया, चलिए भाई, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, काफ़ी लोग कमेंट आने प्रारंभ हो गए हैं, अब बहुत सारे साथी बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए, जितने भी लोग आपका नंबर एक कमेंट कर रहे हैं सबके जवाब बिल्कुल सही हैं। मुकुंद जो पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड वह विष्णु का है, और विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं आपके माधव, दामोदर, दामोदर, अंबर, ठीक है, गोविंद और उपेंद्र। तो ये विष्णु के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, इनको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है।
मदन कामदेव का पर्यायवाची है, मदन भी कामदेव का पर्यायवाची है। और आगे चलेंगे, जी हाँ, दिनकर दिवाकर भानु भास्कर ये सारे शिव के पर्यायवाची, सॉरी सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनकर दिवाकर भानु भास्कर ये सब सारे शिव के पर्यायवाची हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर, आगे क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल, चिंतामणि, क्षण बोले, कर्ण मुस्कुराए, आलोक पर। जल्दी बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा है? फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा। जी हाँ, जल्दी से बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है माटी के फूल है, या चिंतामणि है, या क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए हैं, या आलोक पर्व है? जल्दी से बताइए, फटाफट अपने आंसर कमेंट करिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करें, जितने भी लोग क्लास में जुड़े हैं, लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फटाफट बताएं फ्रेंड। चलिए, जी हाँ, ऑप्शन बी सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें सबके बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध संग्रह है वह चिंतामणि, जबकि माटी के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी का, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जी, कन्हैया लाल मिश्र जी का है, जिनका टाइटल है प्रभाकर, ये भी पूछ लिया जाता है प्रभाकर। और आलोक पर्व हजारे प्रसाद द्विवेदी जी का है, प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। पुनः माटी के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्षण बोले कर्ण मुस्कुराए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, आलोक पर्व हजारे प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात वसंत, बात वसंत, बारात वसंत और बारात वसंत, जी हाँ, चारों ऑप्शन एक जैसे देखने में लग रहे हैं, माइनर सा त्रुटि है, आपको उसी त्रुटि को पहचान कर सही युग्म का चुनाव करना है। जी हाँ, जल्दी से बताइए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, या बारात या वसंत है, बारात वसंत है, बारात वसंत है और वारात वसंत है? चलिए से बताइए, कौन सा शब्द युग्म यहाँ पर सही है? चलिए, बहुत सारे साथी कन्फ्यूजन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, तो ये नाजमी है कि आप लोग भी कन्फ्यूज हो रहे हैं। फिलहाल काफ़ी लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, चलिए जो लोग सही कमेंट कर रहे हैं उनके जवाब को जरा सा और भी हम क्लियर कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, बारात और वसंत ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं, बाकी सारा जोड़ा अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे, अर्धस्वर हैं, अर्धस्वर हैं, यव, ईयु, रीलरी और ऋषि और ख, जल्दी बताइए। जी हाँ, सबसे पहले अर्धस्वर के बारे में जान लेते हैं। अर्धस्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी उच्चारण में जिह्वा उच्चारण के अवयव को कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती, मतलब ऐसे व्यंजन, ऐसे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी अवयव को पूर्ण रूप से टच नहीं करती, उन्हें अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। और अर्धस्वर आपके, जी हाँ, अर्धस्वर आपकी हिंदी में दो हैं, ठीक है, यह और वह, यह और वह को अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए जिन साथियों ने कमेंट किया था उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है, अपराधी का दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी का पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो चोर की दाढ़ी में तिनके का जो सही अर्थ है फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं, बड़ा ही प्रसिद्ध ये मुहावरा है, बड़ा ही प्रसिद्ध मुहावरा है। आप सभी लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, उस कहानियों में इस मुहावरे का बकायदा प्रयोग किया गया है। तो अब चोर के दाढ़ी में जो तिनका में हो है, उसका सही जो अर्थ है फ्रेंड, वह है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ठीक है, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना ही चोर की गाड़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ है।
जी हाँ, क्योंकि बीरबल ने इसका बाकायदा परीक्षण करके इस मुहावरे को सशब्द सिद्ध किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आगार, प्राकथन, पृष्ठपोषण, प्रस्तावना। जल्दी से बताइए, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? बिल्कुल नया प्रश्न है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठपोषण इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार कही गई बात को दोहराने का मतलब होता है पृष्ठपोषण करना। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्धिहीन, बुद्धिहीन शब्द, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? संज्ञा में आता है, सर्वनाम में आता है, विशेषण में आता है या क्रिया में आता है? जल्दी से बताया फ्रेंड, बुद्धिहीन शब्द किस संवर्ग में आता है? फटाक से बताएं। बुद्धिहीन शब्द किस संवर्ग में रखा जाए? अरे भाई, बुद्धिहीन आप सभी लोग समझते हैं, बुद्धिहीन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। बुद्धिहीन शब्द जो है वह बालक बुद्धिहीन है, राम बुद्धिहीन है, वह बुद्धिहीन है, तुम बुद्धिहीन है, मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। छत से गिरी ईसर, छत से ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए भाई, छत से ईट अलग हो रही है। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझाया था, आज पुनः बता रहा हूँ कि छत से ईट अलग हो रही है, अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई वस्तु से कारक चिन्ह का लोप होता है और अलगाव की स्थिति होती है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। जी हाँ, अपादान कारक होता है। तो देखिए आगे कुछ चिन्हों पर देखिए, संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, के, की और रा, रे, री। संप्रदान का के लिए, के द्वारा, अधिकरण का है मे पर, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल। आगे चलेंगे, महोर्मी का संधि विच्छेद है। महादनुर्मी और महदनमर्मी। जल्दी बताइए कि महोर्मी में कौन सा संधि है, महोर्मी में कौन सा संधि है? पहला क्वेश्चन है कि महोर्मी में कौन सा संधि है, उसका जवाब है फ्रेंड, महोर्मी में गुड़ संधि है, महोर्मी में गुड़ संधि है। आदि गुड़ा इसका सूत्र है और जवाब जो सही है फ्रेंड वह है ऑप्शन नंबर सी, महाधन उर्मी इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। महाधन उर्मी इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आगे चलेंगे फ्रेंड, समिष्टि का विपर्यार्थक शब्द है। समिष्टि का विलोम शब्द है, विशिष्ट है, अवशिष्ट है, अपुष्टि है या व्यष्टि है? बिल्कुल सिंपल था फ्रेंड, एक क्वेश्चन है, समिष्टि का विलोम आप सभी लोग जानते हैं कि व्यष्टि होता है। क्या होता है भाई? व्यष्टि होता है। समिष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। करपट का जो तद्भव रूप है वह कपड़ा है, ठीक है। करपट तस्यम शब्द है और इसका तद्भव है कपड़ा, ठीक है फ्रेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक शब्द और तद्भव दिया गया है बट इसका तस्यम जो होगा वो होगा कर्पूर, ठीक है, कर्पूर इसका तद्भव होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? तो रमणीय में प्रत्यय जानने के लिए आप रमणीय शब्द को तोड़ दीजिए। रमधन अनी मिलकर बनता है आपका रमणीय, ठीक है।
इसलिए आसानी से आप लोग आंसर कमेंट कर दिया ऑप्शन नंबर ई। प्रत्यय की बात हुई तो प्रत्यय वे शब्दांत होते हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है वह हुआ है आपका अनि। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, जवाब बिल्कुल सही है। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं सबके जवाब बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारी संस्था द्वारा आप यूपी टेट के हस्तलिखित नोट आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपना मोबाइल फोन उठाना है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6306344367 पर कॉन्टेक्ट करना है और नोट्स के लिए ऑर्डर करना है। हमारी संस्था द्वारा NCERT बेस्ड हस्तलिखित प्रोवाइड किया जाता है। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर नोट संबंधित, ऑनलाइन क्लास संबंधित, ऑफलाइन क्लास संबंधित सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्वयं कॉन्टेक्ट करिए और सभी साथियों को शेयर करिएगा। आगे बोरी सवय रघुवंश कुठार, बोरी सवय रघुवंश कुठार की धार में बारन बहि सरहती, बान किवाय उड़ाए के लक्षण लक्षय कर अर्य समर्थी। इस वाक्य गया इस पंक्ति में कौन सा रथ प्रयुक्त हुआ है, कौन सा रथ प्रयुक्त हुआ है? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं बोरी भर सब रघुवंश कुठार की धार में बारन, बारन मतलब क्या है, बाणों की वर्षा की बात हो रही है। यहाँ पर क्रोध, क्रोध का बोध हो रहा है, यहाँ पर क्रोध, यहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव और तजारी भाव से सहयोग हो रहा है। तो क्रोध रस का जो स्थायी भाव है, क्रोध जो स्थायी भाव है वो रौद्र रस का है, ठीक है। यहाँ पर क्रोध का विभाव अनुभाव संचारी भाव सहयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार में छंद कौन सा है? भाई बड़ा ही प्रसिद्ध, बड़ा ही मनमोहक ये आपका दोहा है रामचरितमानस का, बताइए फटाफट इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। क्योंकि फ्रेंड इसमें जो छंद प्रयुक्त हुआ है वह है दोहा, क्योंकि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं जो कि दोहे छंद को परिभाषित करती हैं। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा अच्छे से, बहुत सारी नॉलेज आप लोगों ने यहाँ पर आज प्राप्त की होंगी। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।